मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंडला जिले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भाजपा पर हमला करते हुए जनपद सदस्य को धोखे में रखकर भाजपा की सदस्यता दिलाने का आरोप लगाया है। गोंडवाना पार्टी का कहना है कि निर्माण कार्य को लेकर जनपद सदस्य को बुलाया है और जबरदस्ती भाजपा का दुपट्टा पहनाया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोरते ने बताया है कि घुघरी जनपद क्षेत्र से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जनपद सदस्य को कुलस्थी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल होने की खबर पूर्णतः निराधार और झूठी है। सांसद कुलस्थी अभी से अपनी बड़ी हार को लेकर आशंकित है और स्थानीय जनता और अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को बरगलाकर भाजपा में शामिल करने के प्रयास कर रहे हैं। चाहिए है कि वहाँ हमारा जो ब्लॉक अध्यक्ष है, जनपद के सदस्य भी हैं वहाँ, तो माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं फग्गन कुलस्थी जी, उन्होंने जान बूझ करके उनको गमछा लेकर के काम के वहां बुलाते हैं। वो तो बेचारे लालची आदिवासी तो ऐसे ही सादे, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा हो या आईएएस हो जाए आईपीएस भी, आज भी जो है वो सीधी सादे, तो ऐसे ही जो है काम के वहां बुलाया और उनको अपना भाजपा का पट्टा डाल दिया अपने कंधन में और उनको पेपर मीडिया के माध्यम से चार दिए कितने गोंडवाने के लोग सदस्यता लिए। इसी तरीके से कांग्रेस के लोग भी हैं जो है ना पीला गमछा डाल करके और गांव में जाते हैं, मैं भी तो गोंडवाना का हूँ, इस तरीके से बहाना कर करके गोंडवाना के टूटने के। लेकिन गोंडवाने के लोग इतने कट्टर हैं क्योंकि न कांग्रेस में मान सम्मान मिलेगा और न भाजपा में, और घूम करके अभी हमारे पास आते हैं। पिछले बार कुछ चुनाव में ऐसे अपने माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष अपने वहाँ 200 कार्यकर्ताओं को बुला दिया और सबके ऊपर सदस्यता वो गमछा डाल करके और कहे कांग्रेस में गोंडवाना के लोग इतने सदस्यता लिए। आज वो पुनः जो है हमारे पास आ गए, उसमें से बहुत सारे कार्यकर्ता हैं कि वहाँ मान सम्मान नहीं मिलता, इसलिए जो है ये जबरदस्त जो है चुनाव के बहाने जो है ये तमाम दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो ये इनको सतर्क होना चाहिए क्योंकि भाजपा कांग्रेस के खुद गमछा रखो ना, जो तुम्हारा प्रिंटेड है पीला गमछा क्यों रख करके, वो जान रहा है कि गोंडवाना ताकतवर वो उभर करके आ रहा है, इसलिए इस तमाम जो है कुलस्थी जी इस तरीके से करते हैं, ओम प्रकाश भी करते हैं पीला गमछा रख कर। तो ये तमाम चीजें ये चलने वाला नहीं है, इनकी बहुत नजदीकी आ गई और पोल खुल रही है क्योंकि इतने वर्षों में एक भी ये काम बता दे, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम्हारा काम जो ना किया हुआ, चाहे वो कॉलेज यहाँ, जबकि मंडला में मेडिकल कॉलेज खोल सकते थे, रेल लाइन को जो इधर उधर जोड़ सकते ताकि यहाँ के जनता का विकास होता, ना उद्योग ना धंधा ना कुछ नहीं। आज परिस्थिति ये है कि पूरा जनता पलायन कर रहा है और ये राजनीति करते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा वाले काम कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। हम कार्यकर्ताओं सभी कहें कि इनके बेच फजूलों की बातों में न पड़े, लालच में न आए और अपने घर पे रहे, ये लालच छड़ मात्र है चुनाव तक, इसके बाद कोई नहीं पूछता। उनके साथ में विधायक मंत्री बन जाते हैं, दूसरे लोग दिखते हैं, ये वो जो आदिवासी जो जिनको लाते हैं उनको पूछते हुए तक नहीं है। तो ऐसे जो प्रचार है व्यवचार कर रहे हैं, इससे सतर्क रहकर कि गोंडवाना में जो है जो काम कर रहे हैं उनको लगातार काम करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा जो कार्यकर्ता है उनको, अभी भी हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के 25,000-50,000 दे के फार्म तो बर्बाद भी देता हूँ, वो लाइन लगे हैं आज सीधे लोग, जबकि मालूम है उनको कि जब चुनाव जीतने ही नहीं है तो खाली वोट काटने का काम कर रहे हैं, उनको 50,000 पकड़ा दिया, उनके 1,00,000 पकड़ा दिया, अभी तो फार्म भर। तो वोट काटने के लिए जो अभी लोकसभा में बहुत सारे ऐसे जो ना अभ्यर्थी हमारे कुछ लोग हैं जो भरे हुए हैं, वो भी पीला गमछा लेकर काम है, तो ये चलने वाला नहीं है क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक तमाम पहलू में चल रहा है और इसको इन जो जाकर के उल्टे काम करने वाले को जनता जो ना दूर भगा देता है, माफी मांगने के लिए कल आ जाए, अभी भी जो कमलनाथ के यहाँ जो गए थे वो माफी मांग रहे हैं, मन कहा लिखित में दीजिए हम तुम्हें वापस ले लेते हैं, जितने 200 कार्यकर्ता गए थे कमलनाथ जी के यहाँ वो सब के सब जो ना ललाए थे क्योंकि समाज भी सम्मान नहीं कर रहा।
जिनको गद्दार साबित कर रहा है, तो ये तमाम चीजें चलने वाली है। जनपद सदस्य कलीराम धुर्वे ने कहा है कि जनपद अध्यक्ष के क्षेत्र के विकास के लिए 20 लाख रुपए के निर्माण कार्य को स्वीकृति के बाद कहकर स्थानीय सांसद से मिलवाने भाजपा कार्यालय मंडला ले गए हैं, जहां उन्होंने हमारा फूल माला डालकर स्वागत करते हुए सुनियोजित तरीके से फोटो खिंचवाकर भ्रामक जानकारी मीडिया को दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा में शामिल होने की बात को निराधार बताया है। हमें जो जनपद सदस्य है, ये जनपद सदस्यों को ले गया वहाँ पर, और ले जाने के बाद मंडला ले गए थे। किसके द्वारा ले गए? हमारी जो जनपद अध्यक्ष के द्वारा ले गए थे, श्रीमती जनिया बाई मरावी। उन्होंने बोला कि मंत्री साहब के पास जाएंगे और काम दिलाएंगे करके, और वहाँ पर हमने जैसे गए और हमें बाकायदा फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया, और पार्टी का बीजेपी का जो पट्टा है दुपट्टा, वो गले में डाले गए। सदस्यता आप लिए क्या? नहीं, सदस्यता कोई जनपद सदस्य नहीं लिए। आप किस पार्टी से? हमने गुड़वाना गणतंत्र पार्टी से बिलोंग करते हैं, और वर्तमान में मैंने गुड़वाना गणतंत्र पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष। लेकिन खबरों में और न्यूज़ में चल रहा, हाँ ये मतलब न्यूज के द्वारा जो दिखाया गया है, लेकिन ये झूठ है। हाँ, हमने काम के जरिए से गए थे वहाँ पर काम मांगने के लिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ गया, मात्रे हमें अफवाह बस किया गया है, गुमराह करके भाजपा का पत्ता डाल दिया। जी जी, कितने लोग गए थे? हमने गुरवाना से 5 जनपद सदस्य थे, और कांग्रेस से 3 जनपद सदस्य और 7वें अध्यक्ष, और भाजपा से 2 जनपद सदस्य। सभी को पत्ता पहना? हाँ, सभी को पहनाया गया। तो बाकी लोगों की मर्जी क्या है? और उनसे ज्यादा पूछा जाए कि वो क्या बताएंगे क्या नहीं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ घटना, ये हकीकत सच है। इसकी जानकारी आपने किसी? मैंने अपनी लेटर पैड से जिलाध्यक्ष के नाम पर दिया, और समाज को बताया कि हमारे साथ इस तरह से बर्ताव किया गया है। नाम क्या है? मेरा नाम है कलीराम ध्रुवे, वर्तमान में मैंने जनपद सदस्य भी हूं, और गुणवाना गणतंत्र पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष भी हूं, और जनपद पंचायत का सभापति, सहकारिता सभापति। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।